बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल पीएसटी मैट्रिक चैप्टर नंबर 4 पार्ट 32 पे हम आ गए हैं। पार्ट 32 पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड है। सब ट्रॉपिकल, इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक। पीएसटी की वीडियोज़ बन रही हैं साथ साथ, और इंग्लिश की भी वीडियोस बन रही हैं, इस्लामियात, उर्दू, सिंधी, इंशाल्लाह इनको भी जल्दी शामिल करेंगे, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, अब पूरा नहीं दिख सकता, इतना बड़ा नाम है भाई, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। तो इसकी ख़ास ख़ास बातें क्या हैं? पहले तो हमें देखना है कि इसमें इलाके कौन कौन से आते हैं, रीजन्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। ये सब पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। आपको याद है हमने शुरू से जो वीडियोस देख रहे हैं, पाकिस्तान का मैप ऐसा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एक ग्रुप पहाड़ों का ये है, दूसरा पहाड़ों का ग्रुप नॉर्थ और वेस्ट दूसरा ग्रुप ये है। यानी कि एक ग्रुप ये है नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न, दूसरा ग्रुप ये है नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न। ये दो ग्रुप हमने बनाए थे पहाड़ों के। बहरहाल तो इसमें रीजन्स कौन कौन से आ जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्थर्न माउंटेन रीजन्स, नॉर्थर्न माउंटेन रीजन्स, पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात जो है इनके मौसम की बात हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थर्न माउंटेन रेंज रीजन जो है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले आते हैं? दो बड़े, हिमालय और कराकरम। तो यहाँ पर आउटर एंड सेंट्रल हिमालय, हिमालय वो आ जाता है इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड में, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास खित्ता है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है भाई। इसमें कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? वजीरिस्तान, जोब, लोरालाई, वजीरिस्तान, जोब, लोरालाई इसमें आ जाते हैं। तीसरा जो है माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान ये आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या है भाई? क्वेटा, सरावन, क्वेटा, सरावन, सेंट्रल मकरान, सेंट्रल मकरान, जलावन, जलावन नोट करते जा रहे हैं, सवालात होंगे। बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है यहाँ पर, स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा, सर्दियों का मौसम भी बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इलाके हैं जहाँ थ्रू आउट सारा साल बारिश होती है, रेन थ्रू आउट होती है? इसमें मरी है, मरी, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट, मरी, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट जो सारा साल बारिश होती है तकरीबन, ठीक है भाई। सुन लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन कर लें। अज़ान होने वाली है असर की, नमाज भी पढ़नी है, बल्कि अज़ान शुरू हो गई, जवाब देते हैं अज़ान का पहले भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या सैयदी या रसूल। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन शुरू करें। मैं इस कोशिश में था कि अजान से पहले ये वीडियो बन जाए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म अजान का वक्त हो गया, अजान हो गई। चलो शुक्र है कि अजान का जवाब दे दिया वीडियो के दौरान ही। ठीक है भाई, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इसके अंदर पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड है, इसके अंदर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं वो भी आती हैं। ठीक है, और लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो है, यहाँ पर दो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, एक कराकरम है, दूसरा हिमालय है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड है, इसके अंदर कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो आता है, कराकरम आता है या हिमालय आता है, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल भी मेरा इसी से है कि ये सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड के अंदर ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस आती हैं, ठीक है, इसमें कराकरम या हिमालय दोनों में से कोई एक जो है पहाड़ी सिलसिला जो है वो इससे मुतालिक है, और उस पहाड़ी सिलसिले के कौन से एरियाज़ जो हैं वो आते हैं, अपर लोअर, वही पहाड़ी सिलसिला, वही माउंटेन रेंजेस, जो मेरा पहला सवाल है वही, अपर लोअर सेंट्रल कौन कौन से इलाके आते हैं वो बता दें आप उस पहाड़ी सिलसिले के। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, एक तो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है, तीन डिविजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, किसको, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड को, इसको, तो एक तो मैंने इलाका बता दिया आपको नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, दूसरा और तीसरा इलाका जो है उनके नाम आप मुझे बता दीजिए, ये मेरा आपसे सवाल है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, वज़ीरिस्तान, ज़ोब, लोरा लाई, ये जो इलाके हैं वो कौन से इलाके में आते हैं, तीन एरियाज़ में हमने जो है इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड को डिवाइड किया था, जिसमें से एक इलाका मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, दो मैंने नहीं बताया, वो मेरा सवाल है कि वो दो उनके नाम बताएं आप। तो ये वज़ीरिस्तान, ज़ोब, लोरालाई, ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं इन तीन में से, ये मेरा सवाल है। ठीक है, चौथा पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि क्वेटा, सरावन, सेंट्रल, मकरान एंड जलावान या जलावान, ये जो आप नाम सुन रहे हैं इलाकों के, ये बता दीजिए ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं। तीन ग्रुप्स हमने इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड में डिस्कस किए हैं, जिनमें से एक मैं बता चुका हूँ नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, दो दूसरा और तीसरा, इनमें से किस में ये क्वेटा, सरावन, सेंट्रल, मकरान और जलावन जो है ये आते हैं, ये बता दीजिए। ठीक है, छठा सवाल मेरा आपसे ये कि पाकिस्तान के कौन से दो इलाके हैं जिनका नाम मैंने अभी शुरू में बताया भी था, इतना थ्रू आउट जो है तकरीबन सारा साल बारिश जो है वो होती है, उसका नाम मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।